अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुलाम मुस्तफ़ा, आप देख रहे हैं GM पावर टेक। जी तो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। आज सुबह जब मैं उठा हूँ तो मेरे मेन चैनल के ऊपर, जिसको अभी आप देख रहे हैं, जिस वीडियो को, इसी चैनल के ऊपर एक मेल मुझे इनबॉक्स में वसूल हुई, जिसमें मुझे गूगल एडसेंस की तरफ से बताया गया था कि आपकी एड्स जो हैं वो उनको बंद कर दिया जाएगा। तो थोड़ी परेशानी हुई, हालांकि ये कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं है। तो मोस्टली होता है कि यूट्यूबर्स को फेक मेल्स भी आती हैं। मैं सुबह जब उठा हूँ तो बिल्कुल नॉर्मली मैंने पढ़ के तो मैंने उसे क्लोज़ कर दिया। तो अभी मैं जो है वो फाइनली उसको चेक करने लगा था क्या है, और मेरी जो एड्स हैं जो मेरे वीडियोज़ पर चल रही हैं, जिसकी वजह से मेरा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उनको क्यों बंद किया जा रहा है। तो उसके लिए हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और इसको चेक कर लेते हैं। लेकिन लैपटॉप की स्क्रीन पे जाने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। जी, तो हम लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पर हमने जो अपना गूगल क्रोम है उसको ओपन कर लिया है। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर अपना चैनल ओपन करूँगा। चैनल ओपन करने के लिए जो है वो मेन पेज यूट्यूब का ओपन हो गया है। तो यहाँ से मैं अपने चैनल पे आ जाता हूँ और इसी चैनल के साथ मैंने जो लिंक किया है एडसेंस में, उसमें चला जाता हूँ। उसकी सेकंड बार जो मैं ओपन कर लेता हूँ, तो यहाँ पे सेकंड बार को ओपन करने के बाद एडसेंस वाली जो है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरे पास कोई भी वार्निंग जो है वो शो नहीं हो रही थी। मैं ये कहने वाला था, लेकिन यहाँ पर भी वार्निंग शो हो चुकी है। You have less than one month to verify your address, otherwise you will stop displaying ads. और यहाँ पे दो जो है वो वार्निंग दी जा रही हैं, फर्स्ट और सेकेंड दो नंबर जो है यहाँ पे शो हो रहे हैं। और सेकेंड जो वार्निंग है वो ये है कि योर पेमेंट आर ऑन होल्ड बिकॉज यू नीड टू वेरीफाई योर एड्रेस। इट्स मीन के मेरा जो वेरीफाई एडसेंस पिन है वो मुझे वसूल नहीं हुआ, और इस बात को तकरीबन 3.5 माह गुजर चुके हैं। तो उसकी वजह से ये मेल मुझे जो है वो आई है कि आप जो फर्स्ट ऑप्शन थी वो तो पहले काफ़ी दिनों से जो शो हो रही थी कि आपकी पेमेंट जो है वो होल्ड पे है और आप अपना एड्रेस जो है वो वेरीफाई करें। तो सेकंड जो मुझे आज वसूल हुई है उसमें एड्स के बारे में बताया गया था कि इस मंथ के अंदर अंदर अगर आप इसको वेरीफाई कर लेते हैं तो आपकी एड्स जो है वो ऑन ही रहेंगी, लेकिन अगर आप इस मंथ में नहीं करते तो ये आपकी एड्स ब्लॉक हो जाएंगी। तो ये मेल पढ़ के कुछ यूट्यूबर परेशान भी होते हैं, लेकिन इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं। अगर आपके एरिया में आपको एडसेंस पिन नहीं मिलता तो आप इसे अपनी CNIC की कॉपी के ऊपर, कलर कॉपी के ऊपर जो है वो आप इसको वेरीफाई पिन को और इसके एड्रेस को जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन जो है वो पहले आप वेरीफाई कर चुके होते हैं। तो अगर आप किसी ऐसे एरिया में हैं जहाँ पर आपको पिन वसूल नहीं होती, तो ये एड जो है, ये मेल जो है वो आपको एडसेंस की तरफ से आ जाती है। और इस मेल के आने के बाद जब आपकी एड्स जो हैं वो क्लोज़ हो जाती हैं, तो तब भी आपको एक मेल कर दी जाती है कि आपकी एड्स को स्टॉप कर दिया गया है, जिससे आपका रेवेन्यू जनरेट होता है। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन जो है, वेरिफिकेशन जो है इस एड्रेस की, कि आप इसी एड्रेस पे रह रहे हैं, वो आप अपने ID कार्ड से दोबारा से ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर ये मेरी एड्स जो हैं वो बंद हो जाती हैं, तो विद इन 1 डे मैं इसको दोबारा से एड्रेस को वेरीफाई करके री ओपन करवा सकता हूँ। तो इसमें ऐसी भी कोई बात नहीं होती है कि अगर आपको पिन नहीं मिल रहा या कोविड की वजह से आपको पिन जो है वो आपके एरिया में नहीं आ रहा, तो आपका जो रेवेन्यू है वो जनरेट होना बंद हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, और ये लास्ट स्टेप होता है जिसमें पिन वेरीफाई करने के बाद आप अपना एड्रेस मुकम्मल वेरीफाई करते हैं। आपको एक पिन वसूल होता है 6 अंकों का, उसे आप एंटर करते हैं और उसके बाद आपका एड्रेस जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो कंप्लीट वेरीफाई हो जाता है। उसके बाद आपको बैंक अकाउंट जो है वो लिंक करना होता है, क्योंकि नए जो एडसेंस हैं उनमें वेस्टर्न यूनियन की जो ऑप्शन है उसको ख़त्म कर दिया गया है। तो उम्मीद है कि आपको ये मेल की और इस बात की समझ आ गई होगी कि मैं जो बात आपको बताना चाह रहा था, जिसकी वजह से ये आपको टाइटल बार में ये शो होता है कि आपके एड्स को ब्लॉक किया जा रहा है या बंद किया जा रहा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी मज़ीद नई अच्छी वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।